हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक हो। आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हो कि अगर आपके फेसबुक अकाउंट में यू डिसएग्री विद डिसीजन वाला प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर आप लोग ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों को पूरा तरीका सिखाने वाला हूँ। वीडियो को एक स्टेप मिस नहीं करो, कम्प्लीट वॉच कीजिए। लेकिन वीडियो बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोहल्ले सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाला बेल आइकन को ऑल पर भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर आने वाला न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट अपने टॉपिक की तरफ। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले मैं अपना मोबाइल में फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करता हूँ और फिर इसमें मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट भी लॉगिन कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं हसन यू डिसएग्री विद डिसीजन। और नीचे यहाँ पर फेसबुक टीम कह रहा है कि आपके अकाउंट का जो रिव्यू था वो एक दिन में होगा, लेकिन काफी ज्यादा दिन गुजर गए और अभी तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो ये कैसे सॉल्व होगा आगे इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ सिखाने वाला हो। तो सबसे पहले आप लोग इस पे से स्क्रीनशॉट ले लो। जी हाँ, यहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब यहाँ से मोबाइल के होम स्क्रीन पर आते हो और फिर आप लोग अपना मोबाइल में क्रोम ब्राउजर ओपन करो और क्रोम ब्राउजर में भी आप लोग वही अकाउंट लॉगिन करो। मैंने पहले से लॉगिन कर दिया। उसके बाद फिर मैं अपना मोबाइल में नोटपैड ओपन करता हूँ और नोटपैड में मैंने 3 लिंक लगा दिया और उसके नीचे का पील भी लगा दिया। ये सब कुछ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से आप लोग ये कॉपी कर सकते हैं। और अपील के आखिर में आप लोग अकाउंट का डिटेल भी एंटर करो, जैसे कि अकाउंट का फुल नेम हो, उसके बाद अकाउंट का नंबर और अकाउंट का डेट ऑफ बर्थ। तो चलो जल्दी यहाँ से मैं पास नंबर लिंक ओपन करता हूँ और आप लोग ये लिंक उसी ब्राउजर में ओपन करो जिस ब्राउजर में आपका फेसबुक आईडी लॉगिन है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि ये लिंक मैंने ओपन कर दिया और ये लिंक है असेसिंग एंड डाउनलोडिंग योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन के नाम से है। तो इसके नीचे पास नंबर पर ऑप्शन आते हैं डेटा एक्सेस, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर ये पेज इस तरह स्क्रॉल डाउन करो और स्क्रॉल डाउन करने के बाद लास्ट सेकंड नंबर पर एक और ऑप्शन आते हैं आई डू नॉट हैव अ फेसबुक अकाउंट एंड आई वांट टू एक्सेस माय डेटा। तो ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करो। तो चलिए, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और उसके नीचे एक और फॉर्म ओपन होगा। तो इसमें पास नंबर पर ऑप्शन आते हैं फुल नेम, तो यहाँ पर आप लोग अपना अकाउंट का फुल नेम एंटर करो। तो चलो जल्दी यहाँ पर इस अकाउंट का जो फुल नेम था वो मैं एंटर करता हूँ। जी हाँ, यहाँ पर मैंने इस अकाउंट का फुल नेम एंटर कर दिया और उसके नीचे एक और ऑप्शन आते हैं सेलेक्ट कंट्री और उसके सामने एक छोटा सा ड्रॉप डाउन है, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर देना और फिर यहाँ से आप लोग अपना कंट्री सेलेक्ट करो। जी हाँ, यहाँ पर मैंने कंट्री भी सेलेक्ट कर दिया और उसके नीचे एक और ऑप्शन आते हैं ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पर आप लोग कोई भी एक ईमेल एड्रेस एंटर करो जो आपके मोबाइल में लॉगिन है। तो चलो जल्दी यहाँ पर मैं एक ईमेल एड्रेस पेश करता हूँ। जी हाँ, यहाँ पर मैंने ईमेल एड्रेस भी एंटर कर दिया और उसके बाद नीचे यहाँ पर एक और ऑप्शन आते हैं आई एग्री, तो यहाँ पर आप लोग टिक लगा देना। तो चलो यहाँ पर मैं टिक लगाता हूँ और उसके बाद नीचे सेंड वाला ऑप्शन शो होगा, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। तो चलो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आते हैं और यहाँ पर आप लोगों के पास कैप्चा शो होगा, तो ऊपर वाला कैप्चा आप लोग यहाँ पर एंटर करो। तो चलो जल्दी यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ। जी हाँ, यहाँ पर मैंने कैप्चा भी फिल कर दिया और उसके बाद नीचे सबमिट वाला ऑप्शन शो होगा, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। तो चलिए, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ से जो अपील था वो फेसबुक हेल्प सेंटर पर चले गई। उसके बाद अब यहाँ से मोबाइल के होम स्क्रीन पर आते हो और फिर जस्ट नाउ पर फेसबुक टीम की तरफ से एक ईमेल रिसीव होगा। तो चलो मैं जीमेल एप्लीकेशन ओपन करता हूँ। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास बिल्कुल ईमेल रिसीव होगा और उसका जो टाइम था ये भी आप देख सकते हैं और ऊपर जो मोबाइल का टाइम था ये भी आप देख सकते हैं। तो चलिए, यही ईमेल मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ये इंटरफेस आते हैं और नीचे जो लिखा है शो होगा, ये कंट्री लैंग्वेज पर डिपेंड करेगा, आप लोगों का जो कंट्री लैंग्वेज है उसी में शो होगा। अगर आप लोग रीड करना चाहते हैं तो ठीक है, मैंने पहले से रीड कर दिया और उसके बाद फिर आप लोग इस ईमेल के रिप्लाई पर आ जाना। तो चलिए, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आते हैं और यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह जो भी शो होगा तो ये आप हटा देना। तो चलो जल्दी यहाँ से ईमेल हटाता हूँ। जी हाँ, यहाँ से ईमेल हटा दिया और उसके बाद यहाँ पर आप लोग एंटर करो यू डिसएग्री विद डिसीजन प्रॉब्लम और ये आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है और उसके नीचे का और ऑप्शन आते हैं कंपोज ईमेल, तो यहाँ पर आप लोग वही अपील एंटर करो जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलो, मैं नोटपैड ओपन करता हूँ और नोटपैड में मैंने अपील लगा दिया। तो चलो, यहाँ से ईमेल कॉपी करता हूँ। जी हाँ, यहाँ से मैंने अपील कॉपी कर दिया और उसके बाद दोबारा वही पेज ओपन करता हूँ और फिर कंपोज ईमेल की जगह ये अपील में पेश करता हूँ। जी हाँ, यहाँ पर मैंने अपील भी पेश कर दिया। अपील के आखिर में जो अकाउंट का डिटेल था ये मैं बाद में करवाता हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पर अटैच आइकन आते हैं, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और फिर अटैच फाइल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और फिर जल्दी अपने गैलरी से इस अकाउंट का जो प्रूफ था वो अटैच करता हूँ। जी हाँ, नीचे मैंने इस अकाउंट का प्रूफ भी अटैच कर दिया और उसके बाद फिर आप लोग वो स्क्रीनशॉट भी अटैच करो जो पहले से आपने लिया था। तो चलो, मैं अपने गैलरी से स्क्रीनशॉट जल्दी अटैच करता हूँ। यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दिया और प्रूफ भी अटैच कर दिया और उसके बाद नीचे जो अकाउंट का डिटेल था ये मैं एंटर करता हूँ। तब के लिए मैं वीडियो रोक लेता हूँ। यहाँ पर मैंने अकाउंट का डिटेल भी एंटर कर दिया और उसके बाद ऊपर सेंड वाला ऑप्शन आते हैं, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। तो चलिए, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और मेरे मोबाइल का जो पेज था वो ऑटोमेटिकली होम स्क्रीन पर आता है। इसका मतलब ये है कि अपील बिल्कुल सेंड होगा। उसके बाद दोबारा मैं अपना मोबाइल में नोटपैड ओपन करता हूँ और फिर यहाँ से जल्दी मैं सेकंड नंबर लिंक ओपन करता हूँ। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि मैंने सेकंड नंबर लिंक ओपन कर दिया और ये लिंक है योर फीडबैक अबाउट प्रोफाइल कनेक्शन के नाम से है।
तो इसमें नीचे पास नंबर पर ऑप्शन आते हैं सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आप लोग एंटर करो यू डिसएग्रीविड डिसीजन प्रॉब्लम। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया यू डिसएग्रीविड डिसीजन प्रॉब्लम और ये आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है। उसके बाद नीचे कवर ऑप्शन आते हैं यूर ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पर आप लोग अपने ईमेल एड्रेस एंटर करो। तो चलो जल्दी यहाँ पर मैं ईमेल एड्रेस पेश करता हूँ। यहाँ पर मैंने ईमेल एड्रेस भी एंटर कर दिया और उसके बाद नीचे का और ऑप्शन आते हैं यूर फीडबैक, तो यहाँ पर आप लोग फिर भी वही अपील पेश करो। तो चलो जल्दी यहाँ पर मैं अपील भी पेश करता हूँ। जी यहाँ पर मैंने अपील भी पेश कर दिया और अपील के आखिर में जो अकाउंट का डिटेल था ये मैं एंटर करता हूँ। तब के लिए मैं वीडियो रोक लेता हूँ। यहाँ पर मैंने अकाउंट का डिटेल भी एंटर कर दिया और उसके बाद नीचे सेंड वाला ऑप्शन आते हैं, इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। तो चलिए इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से जो अपील था वो हेल्प सेंटर पर चले गई। उसके बाद फिर आप लोग लास्ट नंबर लेंगे ओपन करो। तो चलो जल्दी यहाँ से मैं थर्ड नंबर लेंगे ओपन करता हूँ। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि मैंने लास्ट नंबर लेंगे ओपन कर दिया और ये लेंगे है कन्फर्म योर आइडेंटिटी नाम से है। तो इसमें नीचे का ऑप्शन आते हैं चूज फाइल वाला, तो यहाँ पर आप लोग अपना अकाउंट का डॉक्यूमेंट अपलोड करो। डॉक्यूमेंट में से आपके पास कोई भी चीज़ है लेकिन उसके ऊपर जो नेम और डेट ऑफ बर्थ है वो अकाउंट के साथ मैचिंग करना जरूरी है। तो चलो यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट भी अटैच कर दिया और उसके बाद नीचे सेंड वाला ऑप्शन शो होगा, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से भी मेरे जो अपील था वो हेल्प सेंटर पर चली गई। बस इतना काम करने के बाद आप लोग और कुछ नहीं करो, सिर्फ वेट करो। आप लोग ये भी सोचते हैं कि कितना वेट करो लेकिन ये बात तो कंफर्म नहीं है। जब तक फेसबुक टीम की तरफ से रिस्पांस नहीं मिलेगा तो उसी टाइम तक आप जरूर वेट कीजिए। अगर आपका प्रूफ ठीक था अकाउंट के साथ मैचिंग करे तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आपका अकाउंट 100% ओपन हो जाएगा। तो ये होगा आज की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।